कोरोना महामारी के चलते पानीपत प्रशासन ने जिले के सभी जिम खोलने पर पाबंदी लगाई हुई है। वहीं जिले में आज सुबह कई जिम खुले मिले। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जिम पर रेड कर जिम मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जिम में मौजूद लोगों के मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया। पानीपत जिले में कोरोना महामारी के चलते किसी भी जिम को खोलने की अनुमति नहीं है। रेड के दौरान मॉडल टाउन चौक के इंचार्ज राजेश ने बताया कि आज सुबह लगभग 5 बजे एक शिकायत पर दो जिम में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र की अगुवाई में रेड कर जिम मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। जिम उनमें खुले हुए थे, उनकी दरखास्त BDPO साहब ने हमारे को लिखित में दी थी और हमने दोनों जिम वाले को गिरफ्तार किया था। कितने वहाँ जिम पे काम एक्सरसाइज कर? एक जिम पर 4-5 लड़के, एक दो लेडीज थी और 5-6 लड़के दूसरी जिम पर जो प्रैक्टिस कर रहे थे। जो मालिक थे हमने उनके अगेंस्ट पर्चा दर्ज कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिम में मौजूद लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं DSP हेडक्वार्टर सतीश वस ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते जिम को खोलने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जिम खुला मिलता है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कंप्लेंट आई थी, वो BDPO जो वहाँ के इंसिडेंट कमांडर हैं उनको इंटीमेट किया था और उन्होंने कार्रवाई करते हुए उनकी FIR दर्ज करवाई। दो जिम वहाँ पर खुले हुए थे, वो 188 के FIR उनके हमने किए और जो लीगल फॉर्मेलिटी है आगे SHO उसकी टीम में है साथ, वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग थे, काफ़ी लोग थे, दोनों जिम में एक्सरसाइज कर रही थी तो FIR दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।